हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैंने एक उठपटांग किया है, ये आउटलाइनर लगाई है, पर मेरे को इस अच्छा, आप लोग बताना आपको कैसी लगी। पहले लगाते थे ना, बहुत पहले था, बिल्कुल ही आदमी का वो लुक चेंज हो जाता है ना। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे मैं अपने बालों का यूज़ ही नहीं करती, और 350 रुपया खर्चे हैं मैंने इनके ऊपर। भाई इनका यूज़ कर, इनको लगाया कर, इनको लगाने के बाद डांस किया कर, वीडियो बनाया कर। हैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भगवान ने दिया है तेरे को, परमात्मा ने, माता रानी ने, और फिर भी कितनी आलसी आलसी आलसी। तो ये है मेरे नकली बाल। एक मैंने दूसरे वाले लेने, जो एक्सटेंस क्या बोलते हैं उसको, हर कुछ नहीं बोलूँगी, फिर मैं शब्दों का वो भी बिगाड़ देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब इनको ना ये भी धोने पड़ते हैं, मेरे को बताना कि इनकी केयर कैसी होती है। ए, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, काश ऐसी कटिंग में, पर पता ये कैसे कर... आ जा रे मेरे दिल भर, आज बिल्कुल मैच करते हुए मेरे बालों के साथ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा कलेक्शन अपने पर्सों का। शायद मैंने पहले दिखाए भी हैं, पर उसके बाद भी काफ़ी सारे जो है पर्स मेरे पास फिर से आ चुके हैं, और अभी बालों को लगभग क्या बात है। नारदाना नारदाना, पुरानी हीरोइनें होती थी ना, उनके ऐसे होते थे हमारे। ओ रुमी टोपी वाले तेरे नाल जाना, नाल नाल जाना। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पर्स, मैंने बहुत पहले दिखाए थे, फिर से, और एक दिन मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो पर्सों की बहुत ज़्यादा भरमार है, छोटे बड़े पर्स है, कितने सारे मेरे पास, बहुत सारे। अभी कुछ तो मिल नहीं रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहे हैं, पता है। तो सबसे पहले तो ये वाला पर्स, उसके बाद ये वाला पर्स, छोटे मतलब छोटी किट्टे हैं, बहुत सारे ऐसे, वो नहीं, वो पता नहीं कहाँ पार्ले वाले घर में होंगे। उसके बाद आ जाइए, ये गैस का पर्स है, और ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये मुझे कविता दीदी ने भेजा था कनाडा से, और एक काफ़ी महंगा पर्स है ये। इसकी कीमत मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये है इस पर्स की कीमत। मेरे को नहीं पता, मेरे को बताया गया था ये वाला, हमने उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे डालो इसको, आपको पता लग जाएगा। तो ये गैस का पर्स है, पर मुझे इसकी एक बात अच्छी नहीं लगती कि ऊपर से बिल्कुल खुला है, और बस एक ही वाली जंजीर बंद करने को, बाकी खुला हुआ है। ये देखो इस तरह से, कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। पर ये जो मैंने ये आउटलाइन लगाई है, इससे तो मैं ऐसे टेढ़े टेढ़े जैसा मुँह लग रहा है, मेरे को खुद ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है, मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद आ जाते हैं, ये मेरे को ले आई थी इंग्लैंड वाली दीदी, ये इंग्लैंड वाली दीदी लेके आई थी अपने, नरेंद्र कौर दीदी, ठीक है। ये देखो, ये इसकी लुक भी बहुत प्यारी है, लुक वाइज बहुत ही प्यारा है, ठीक है। इतने में कहाँ लेके जाती हूँ। और एक टाइम होता था, इसके पीछे मैं थोड़ा सी स्टोरी आपको सुनाऊँगी, आपने सुन के ज़रूर जाना कि वाकई में भगवान इतना देता ना, जिस चीज़ की आपको कभी कमी रही हो ना, उसको भगवान बहुत देता है आपको, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये कि बहुत ही प्यारा है, लुक वाइज बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। दो चार चले गए, ये अनूप दीदी लेके आए थे हमारे, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। ये देखो, इसको साइड में भी ये कर लो आप, चाहे आप इसको इस तरह से भी, इस तरह से भी हम इसको ये कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से, बहुत सुंदर। बिल्कुल यूनिक कलेक्शन मेरे पास पर्सों की, दीदियाँ मेरे को बहुत प्यार से लेके आएंगी। इसके अंदर दो ये मिल जाते हैं हमारे को, एक ये और एक ये वाला है, ठीक है। फ़ोन वगैरह अपने छोटा मोटा जो भी सामान इसमें आराम से, और छोटा ज़्यादा नहीं होगा, बस ऐसे हम इसको उठा सकते हैं, है ना सुंदर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे को निर्जा दीदी लाए थे दिल्ली से, ये बहुत ही मजबूत पर्स है, मतलब इसमें सामान भी काफ़ी सारा जाता है, जैसे मैं कहीं जाती हूँ पानी की बोतल, और ये मजबूत बहुत है इसकी, ये डोरियाँ, ये खुद ही इतना भारी है। इसका मेहंदी कलर बहुत ही प्यारा है, और इसमें खाने बहुत ज़्यादा है, जिब भी बहुत ज़्यादा है, एक दो तीन, तीन तो होगी बड़े बड़े, बाकी बीच में बहुत सारे हैं,
बहुत सारी पॉकेट इसमें बीच में, जिसमें कपड़ों कपड़ों का सूट, दो सूट कपड़ों के आ जाते हैं, पानी की बोतल वगैरह, अपना मेकअप का सामान, ये सारा इसमें आराम से आ जाता है। ठीक है, चलिए और अभी आपको दिखाती हूँ मैं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये मेरे को कविता दीदी ने, सॉरी ये किरण दीदी ने भेजा था, और इसके अंदर ये सबसे प्यारे ना, इसके ही कलर की तरह एक ये किट बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखा मैंने पहले भी दिखाया था, उस टाइम कुछ पर्स नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इकट्ठे करके सारे दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल रेड कलर में, और ये उठाने में बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल रेड में, और इसमें भी ऊपर से खुला है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें ये है, ये उसमें ग्रे वाले में बिल्कुल भी नहीं है, जंजीर है इसमें छोटी, इस इतना सा हम बंद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको मैं उठा, इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। एक परसों से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी फिर अभी। ठीक है, हाय मेरे बच्चा, एक मिनट रुक जा। और ये तो मैं आपको दिखाया है, अभी हनी लेके आया मेरे को छोटी सी किट, मेरे को बड़ा शौक होता था। नारदाना नार नारदाना, देखिए खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए यार, दुनिया को खुश करने लगोगे ना तो हमेशा अकेले रह जाओगे। और दूसरी बात, अगर अपने जैसा ढूंढने लगो, जो जो अगर अपने जैसा ढूंढने लगो ना तो भी अकेले रह जाओगे। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने में मस्त रहिए, जो अच्छा लगता है पहनिए, जो अच्छा लगता है खाइए, मतलब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो यार, मस्त होके लोगों की परवाह करना छोड़ दो। कुछ लोगों होते कुत्तों की तरह भौंकने की, तो उनको भौंकने दो। पर ये मैंने लाइनर लगा के ना आउटलाइनर कुछ अजीब जैसे ऊँट हो गए मेरे, ये क्यों हो गया ना। अब आती है बारी लास्ट, अच्छा इसको भी दिखा देती हूँ। ये अभी मेरे को एक पर्स मैंने भाभी को दे दिया है, इन सारे पर्सों में जितने भी है ना, इनमें मैंने एक पर्स भाभी को दे दिया है। ठीक है, तो एक वो भी था, एक दो मैंने किसी और को भी दे दिए हैं। ये छुटकू सा पर्स जो है ना, ये देखो, और तो ये मैं फोटो खींच रही थी थंबनेल के लिए। तो ये छुटकू सा पर्स बहुत प्यारा है, इसमें मेकअप का सामान लेके आए थे किरण दीदी अभी, और इसमें भी ये लगता है बीच में, ये देखो इस तरह से। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना। कहीं हमने ऐसे जाना छोटी जगह पर, फोन वगैरह इसमें आराम से, इस इनमें ना मैं सब दोनों में मैं जंजीरें लगवाऊंगी। अब आते हैं लास्ट पे, जो कि बहुत ही महंगा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, और वो आप लोगों ने शायद मेरे को देखा होगा इसको उठाते हुए उसमें। ये देखो, ये आपने नहीं देखा होगा, नहीं कुछ नहीं देखा तो है, ये भी मेरे को किरण दीदी ने पहुंचाया था बहुत पहले, अभी नहीं है बहुत पहले का। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है, और ये माइकल कोर्स, माइकल ही है, हाँ माइकल ही है, माइकल कोर्स का है, और इसमें ताला लगता है यहाँ पर। चाबी पता कहाँ है, चाबी भी बता देती हूँ सबको कि चाबी कहाँ रहती है, किसी ने कुछ चुराना। ये देखो चाबी, देखो कहाँ पे, ये देखो निकाल दो रुको, ये देखो चाबी, मेरे पर्स की चाबी कहाँ है। ठीक है, तो हम इसमें आराम से जो, ठीक है, ये इसका जो लैदर का होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, जो भी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और अपने आप में मतलब काफ़ी वो चीज़ है, एक अलग सी चीज़ है। ठीक है, पर ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक, और इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है, इसमें भी तीन खाने तो पहला खाना तो ये मिल जाता है फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद बटन वाला, अगला वाला में बटन ही है, जंजीर बीच में ही है शायद, और ये भी बटन वाला ही है, देखो इस तरह से बहुत काफ़ी सामान आता है इसमें भी, बड़े बड़े जेबें हैं इसके। तो चलो बस यही था आज का वीडियो, और करती हूँ मैं आज के वीडियो का
एंडिंग करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक कह रही है मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बालों की, और तो मैं भी नहा लेती हूँ, पानी आया हुआ है तो अभी नहा लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कम कम पानी हम यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन सबको पानी मिलना चाहिए, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम। आपको सबसे अच्छा पर्स कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जय माता दी।